टीजर ने तो काफ़ी धमाल मचाया था, फाइनली अब ट्रेलर आउट हो चुका है एंड ट्रेलर इज अमेजिंग। मुझे तब्बू का रोल अच्छा लगा और मुझे एक्शन मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे तब्बू का रोल बहुत ज़्यादा पसंद आया। 4.3 स्टार, मैं 4 स्टार देना चाहूँ। मैं तो सर तो 5 भी मिले तो भी सही है, 5 से ऊपर भी जा सकते। टीजर ने तो काफ़ी धमाल मचाया था, फाइनली अब ट्रेलर आउट हो चुका है एंड ट्रेलर इज अमेजिंग, लाइक काफ़ी मज़ा आया वो भी 3D में देख के, इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस। अजय देवगन एंड ऑफ कोर्स एक्शन, जिस तरीके से सिनेमेटोग्राफी था काफ़ी बेस्ट था वो। तब्बू कैसी लग रही है तब्बू एज एन इंस्पेक्टर रोल? फैबुलस, मतलब लाइक हमने उन्हें कुत्ते में देखा है और भी पहले, लेकिन ये बार जो उनका लुक है ना काफ़ी धमाकेदार, उन्होंने भी लुक लिया है हमारा। अजय देवगन का तो ऑफ कोर्स धमाकेदार ही उनका हर वर्क रहता है, ये बार तब्बू मैम ऑल्सो स्लेट। जिस तरीके से कहा जा रहा है एक ऑफिशियल रीमेक है ऑफ कैथी, अगर आपने ओरिजिनल देखा है तो कितना डिफरेंस आपने महसूस किया उसके बारे में क्या? ऑनेस्टली मैंने ओरिजिनल नहीं देखा है एंड ऑफ कोर्स बॉलीवुड में तो रीमेक बहुत पहले से बनते आ रही है, वी आर जस्ट होपिंग कि ये अगर रीमेक भी है तो काफ़ी चेंजेस हो इसमें, एज इट इज एज इज इक्वल टू सेम स्टोरी ना हो। क्या लगता है दृश्यम 2 के बाद जो ब्लॉकबस्टर का एक अजय देवगन ने एक खिताब हासिल कर लिया, ये फिल्म भी कर पाए? या आई एम ऑल्सो थिंकिंग द सेम कि जिस तरीके से अभी बॉलीवुड में मूवीज आ रही है वो काफ़ी अच्छी आ रही है एंड अजय देवगन की अगर बात करें तो दृश्यम 2 काफ़ी ब्लॉकबस्टर गई, ऑफकोर्स उसके सक्सेस का इफेक्ट भोला पे भी पड़ेगा एंड ऑफकोर्स आई थिंक इसके भी सक्सेस काफ़ी अच्छे हो गए। मैं तो यहाँ एक ट्रेलर लॉन्च प्रीमियर के लिए मैं यहाँ पे आई हुई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अभी इतनी एक्साइटेड हूँ, मैं मूवी की राह देख रही हूँ और 30 मार्च की राह देख रही हूँ, आप भी सब देखेगा बहुत मज़ा आएगा। ट्रेलर में बेस्ट क्या लगा आपको? मुझे तब्बू का रोल अच्छा लगा और मुझे एक्शन मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे तब्बू का रोल बहुत ज़्यादा पसंद आया। उसके साथ साथ एक ऑफिशियल रीमेक भी है कैथी की जो तमिल में बनाई गई थी, अगर आपने उसको देखा है तो कितना डिफरेंस आपने महसूस किया उसके बारे में? नहीं, मैंने वो मूवी नहीं देखी है, पर मैं यही देखूंगी और उसके बाद मैं बता सकती हूँ। क्या बात है, अजय देवगन का नया अवतार कैसा लग रहा है शिवाय के बाद इन्होंने हिज कमबैकिंग विद द डायरेक्शन एंड द मूवी? मुझे बहुत अच्छा लगा और वो हर रोल में हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं और उनको देखना भी पसंद आता है। चलो ठीक है, जाते हैं। 5 में से आपकी तरफ से कितने स्टार बनते हैं? क्या 5 में से कितने स्टार आप रेटिंग कितना देना चाहेंगे? 5? मैं 4 स्टार देना चाहूँ। थैंक यू। ट्रेलर एक नंबर था सर, अच्छा था, देख के अच्छा लगा। उनका क्या लगा? उनका एक्शन ज़्यादा है, अच्छा जबरदस्त है उनका। अजय देवगन का नया अवतार आपको कैसा लगा? एक नंबर सर, अच्छा लगा, एकदम सुंदर। क्या लगता है फिल्म सुपर डुपर हिट होगी? सुपर डुपर होगी सर, उनकी फिल्म चलेगी 100%, चलना ही चाहिए। क्या बात है, VFX वगैरह कैसे हैं ट्रेलर? अच्छे सुंदर तरीके से कहा जा रहा है ये कैथी की ऑफिशियल रीमेक है, तो अगर आपने ओरिजिनल देखी है तो कितना डिफरेंस आपने महसूस किया इस ट्रेलर में? डिफरेंस तो अच्छा ही है, सब अच्छा लगा उसमें, मूवी में सब बढ़िया है, सब देख के अच्छा लगा। 5 में तो सर तो 5 भी मिले तो भी सही है, 5 से ऊपर भी जा सकते। अच्छा लग रहा, क्या बेस्ट लगा ट्रेलर में आपको? एक्शन अच्छा था, कैसे लग रहे सब? अच्छा था। अजय देवगन कैसे लग रहे नए अवतार में? एक्सीलेंट, लोगों को पसंद आएगी फिल्म? हाँ, फिल्म पसंद आएगी, सबको पसंद आएगा, अच्छी बनाई है ट्रेलर, पिक्चर भी अच्छी होगी। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दृश्यम 2 भी एक रीमेक थी और भोला भी एक रीमेक है, तो क्या लगता है अजय देवगन रीमेक का सिलसिला ऐसे ही जारी करते रहेंगे क्या? ओरिजिनल स्क्रिप्ट से? चलो ठीक है, जाते थे 5 में से कितने स्टार देंगे और भोला को क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे इस वीडियो के बाद? क्या बोले, 5 में से कितने स्टार देना चाहेंगे आप इस ट्रेलर को? अगर 5 में से मार्क्स देने होंगे तो 5 में से कितने मार्क्स? फुल मार्क्स 5 एंड 1 वर्ड फॉर अक्षय अजय।